आमचं अतिशय स्पष्टपणे मागणं आहे. कालपर्यंत तुम्ही सभागृहात सांगत होतात की नवाब मलिक यांच्याबद्दल हायकोर्टामध्ये पिटिशन पेंडिंग आहे. आज माननीय उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिलेला आहे आणि ईडीची कारवाई योग्य आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे. आता माझा सवाल आहे की या ठिकाणी बॉम्बस्फोटाचा आरोपी आणि दाऊदचा माणूस सरदार शहावली खान, दाऊदचा दुसरा माणूस सलीम पटेल यांच्यासोबत संगनमत करून मनी लॉन्ड्रिंग करणारे आणि त्यानंतर हे मनी लॉन्ड्रिंग झालं की आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे ते टेरर फंडिंगमध्ये परिवर्तित होते, या सगळ्या याच्यात सहभागी असलेले मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा सरकार कधी घेणार? आता तर त्यांचा राजीनामा घेतला नाही तर हे स्पष्ट आहे की हे सरकार दाऊदच्या दबावाखाली काम करत आहे. आज माननीय हायकोर्टने मंत्री श्री नवाब मलिक इनकी अर्जी खारिज कर दी है और ईडी ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की उसको जायज ठहराया है. सरदार शाहवली खान मुंबई बम विस्फोट का आरोपी, दाऊद का गुर्गा और सलीम पटेल दूसरा दाऊद का राइट हैंड, हसीना पारकर का राइट हैंड, इनके माध्यम से कौड़ियों के भाव जमीन खरीद कर झूठे पेपर तैयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दिए बिना और हसीना पारकर को पैसा देकर जिस प्रकार का ये व्यवहार हुआ और ये पैसा हसीना पारकर के माध्यम से दाऊद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है, ऐसी सारी चीज़ें ये स्पष्टता से आने के बावजूद राज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रही है. मेरा सवाल है सरकार को, कौन सा दबाव आपके ऊपर है? क्या दाऊद का दबाव है इसलिए नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? हमारी मांग है नवाब मलिक का मंत्री पद का इस्तीफा तुरंत लिया जाए या उद्धव ठाकरे जी ने उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए.